Assalamualaikum. Hello dear student, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin re-entry 9, page 58 and level 3. In this activity, we are talking about and so plus do, does, did plus noun structure, right? And so plus does, do, did, can or any auxiliary verb plus noun structure we will discuss in this activity. And with the help of this structure, we can combine two sentences into one sentence. हम दो जुमलों को एक जुमले में combine कर सकते हैं इसी ही structure के जरिए से. मिसाल के तौर पर दो तीन तरीके हैं जिसके जरिए से हम दो जुमलों को एक जुमले में इकट्ठे कर सकते हैं. Conjunction and या but के जरिए से भी हम कर सकते हैं. For example, Bilal recites the Holy Quran. He plays cricket. दोनों काम करते हैं. आदतन कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं. तो हम कहते हैं कि बिलाल रिसाइट्स द होली कुरान एंड प्ले क्रिकेट. तो एक दो जुमलों को एक जुमले में कंबाइन करने का एक तरीका ये है, राइट. और एक तरीका ये है कि हम डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और कैन वगैरह मॉडल ऑक्सिलरीज में इस्तेमाल होते हैं. तो जब हम दो जुमलों को एक जुमले में बयान करना चाहें तो वी कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें बिलाल रिसाइट्स द होली कुरान और फिर कहें कि अहमद रिसाइट्स द होली कुरान, दो जुमले हो गए. व्हेन वी वांट टू कंबाइन इट इन टू वन सेंटेंस, सो वी विल से बिलाल एंड बिलाल रिसाइट्स द होली कुरान, एक मुकम्मल जुमला बोले. एंड सो डज अहमद, पहले जुमला कंप्लीट कहेंगे और फिर इसके साथ साथ दूसरा जुमला भी मिलाएंगे. जैसे बिलाल रिसाइट्स द होली कुरान एंड सो डज अहमद, अहमद भी कुरान मजीद की तिलावत करता है. इसी तरह अगर हम कहें कि खालिद क्रिकेट खेलता है, अरशद क्रिकेट खेलता है, सो खालिद प्लेज क्रिकेट एंड सो डज अरशद. इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा बनते हैं, जैसे बिलाल एंड सलीम गाड़ी चलाता है, अनवर और खालिद भी गाड़ी चलाते हैं, सो बिलाल एंड सलीम ड्राइव अ कार एंड सो डू, जब प्लूरल हो तो फिर डू वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, एंड सो डू खालिद एंड सलीम, राइट. इसी तरह अगर माजी का कोई भी जुमला हो, माजी का कोई भी जुमला हो, जैसे सपोज अगर हम कहें काशिप स्टडीड इंग्लिश, अनवर स्टडीड इंग्लिश, पास्ट टेंस है, तो ये कैसे कंबाइन करेंगे? काशिप स्टडीड इंग्लिश एंड सो डेड अनवर. काशिप ने भी इंग्लिश स्टडी किया, अनवर ने भी किया, सो काशिप स्टडीड इंग्लिश एंड सो डेड अनवर कहेंगे. फिर डेड लगाएंगे, अगर माजी का हो तो डेड, अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो तो डू या डज लगाएंगे. इसी तरह अगर हम कहें कैन वाला कि खालिद कैन राइट अ लेटर, सलीम कैन राइट अ लेटर, तो कैसे बताएंगे? खालिद कैन राइट अ लेटर एंड सो कैन अनवर, एंड सो कैन अनवर. राइट अ लेटर के लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होगी. सो इन दिस वे वी कैन कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड टू वन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो भी यही लगाएंगे. I have taken the tea, you have taken the tea. So I have taken the tea पहला जुमला, and so have you. Have you mean auxiliary verb जब हम लगाए तो taken the tea इसका मतलब हो गया, right? तो इसी ही स्ट्रक्चर के ज़रिए से हम दो जुमलों को एक जुमले में कंबाइन कर सकते हैं. अगर एंड के ज़रिए कंबाइन ना करें, पहला जुमला कंप्लीट कहे और फिर एंड सो, फिर वो हो ऑक्सिलरी वर्ब होगा और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा. आई होप यू विल हैव लर्न्ड दिस स्ट्रक्चर डियर व्यूअर्स एंड लिसनर. आई ट्राई टू यूज अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट कमांड अपॉन दैट वन. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.